उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था तो कोई सोशलाइज नहीं कर रहा था, और क्योंकि मैं और एनिमेटर्स की तरह इंट्रोवर्ट नहीं हूँ तो मेरे जैसे एक एक्सट्रोवर्ट के लिए घर में रहना बहुत मुश्किल है, और ना किसी से मिलना और ना मेरी कोई एक्टिविटी हो रही थी। मैं बस घर में बैठ के पड़ा हुआ था बस, एंड आई वॉज गेटिंग फैट। सो नो एक्टिविटी, नो एक्सरसाइज, सो इससे मेरा स्ट्रेस बढ़ता गया और एज यूजल एक रात आई जिसमें मैंने नोटिस किया ना मेरे हाथ जल रहे हैं, ना मेरे पैर हिल रहे हैं, ना मेरे कोई बॉडी का पार्ट हिल पा रहा है। सो बस मेरी एक आँख ही हिल रही थी क्योंकि मैं अपने पीछे भी देख सकता था, पता नहीं कैसे। और मैं वहाँ पे मिरर में, मेरा पीछे है मिरर है, वहाँ पे मैं अपने आप को देख सकता था, पर मेरी पूरी बॉडी एकदम पैरालाइज्ड। और उस टाइम मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं थी इसकी कि ये क्या चीज़ है। तो मुझे लगा मैं ऐसी कोई सपने में हूँ, मैं 360 देख सकता हूँ हर जगह। पर अचानक से मुझे दिखने लगा एक साइड में एक ब्लैक फिगर, और वो बस मुझे घूर ही जा रहा है, और फिर वो धीरे धीरे मेरे पास भी आ रहा है। बट ब्रो मैं कुछ हाथ पैर तो क्या, आई कांट इवन मूव। सो जब वो आया मेरे ऊपर बैठ गया और मैं बहुत तेज चिल्लाना स्टार्ट किया, और साथ में उसने भी चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, और फिर उसने मेरा गला घोटना स्टार्ट किया। सो देन मैं अचानक से उठा और तब मेरी बॉडी पूरे मेरे कंट्रोल में है, पर मैं पूरा फुल पसीने में तर हूँ। और तब मैं इतना डर गया था कि मेरा वापस सोने का मन भी नहीं कर रहा था। तो देन मैंने सीधा फोन उठाया और चेक किया कि ये क्या चीज़ थी, और तब मुझे पता चला कि दिस इज स्लीप पैरालिसिस, जो कि हाई स्ट्रेस और लैक ऑफ एक्सरसाइज से हो सकता है। सो उसके बाद से आई स्टार्टेड एक्सरसाइज, एंड देन स्ट्रेस मैनेज करने के बाद अब दोबारा मुझे कभी नहीं हुआ। सो इफ यू एक्सपीरियंस दिस तो जरूर कमेंट वमेंट करो, बताना अगर तुमने एक्सपीरियंस किया है और तुम्हारा भी शायद ऐसी हुआ है तो बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।